हेलो एवरीवन, आज हम स्पोर्ट्स का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें आज हम कवर करेंगे ट्रॉफीज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। सो फर्स्ट स्पोर्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज हॉकी। सो हॉकी के रिगार्डिंग जो ट्रिक है वो है, नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो, आज तो राजा सिंधिया खाएंगे, कल हॉकी खेलेंगे। सो ये ट्रिक आपको याद करनी है। और इससे हम किस तरह से कब सीखेंगे, दोबारा से मैं ट्रिक बोल देती हूँ। नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो, आज तो राजा सिंधिया खाएंगे, कल हॉकी खेलेंगे। आप ऐसे सोच लो, एक डिस्ट्रिक्ट में राजा आए हैं और बच्चे वहाँ पे बहुत खुश हुए हैं, तो उनकी खुशी में वो रंग बांटेंगे और राजा जो है आज सिंधिया खाएंगे और हॉकी कल खेलेंगे। सो नेहरू से बन जाएगा हमारा नेहरू कप, इंदिरा से बन जाएगा हमारा इंदिरा गांधी कप, ध्यान से बन जाएगा हमारा ध्यानचंद कप, रंग से बन जाएगा रंगास्वामी कप, बांटो से बन जाएगा बेटियन कप, एंड आज से बन जाएगा अजलन शाह कप, राजा से यहाँ बनेगा महाराजा रंजीत सिंह कप, सिंधिया से बनेगा सिंधिया कप, और खाएंगे, खाएंगे से हमने खान वर्ड देखना है तो ये बन जाएगा आगा खान कप। सो ये सारी कप्स जो हैं हॉकी से रिलेटेड है। ट्रिक क्या कहती है, नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो, आज तो राजा सिंधिया खाएंगे, कल हॉकी खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिकेट का। क्रिकेट की ट्रिक है, रईस दुलीप जानसी दे ऐसे। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी है, आप ये सोचो कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत रईस होते हैं, तो जब आप रईस से वो वर्ड स्टार्ट रखोगे तो आपको याद रखेगा। तो याद रखना कि रईस ट्रिक का फर्स्ट वर्ड है, रईस दुलीप जानसी दे ऐसे। रईस को हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, आर ए से बन जाएगा रणजी ट्रॉफी, ई से ईरानी ट्रॉफी रईस, सी से बन जाएगा सी के नायडू कप, दुलीप से बन जाएगा दुलीप ट्रॉफी, एंड डी से बन जाएगा दियोदार कप, और ऐसे से बन जाएगा एशेज ट्रॉफी। अगर इसके अलावा भी अगर आपसे ये ट्रिक याद नहीं हो रही है तो मैं अब बताऊंगी कि वर्ड्स को देख के किस तरह से याद रख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी तो पता ही है कि इट्स रिलेटेड टू क्रिकेट। फिर सी के नायडू भी हम याद रखेंगे। सी के नायडू से कैसे याद रखेंगे, अगर हम क्रिकेट में देखें तो सी एंड के हमारा आ रहा है, ठीक है, और इसी तरह से सी के नायडू में भी, तो नाम देख के पता चल जाएगा कि सी के नायडू कप कौन सा है क्रिकेट के रिगार्डिंग। उसके बाद दुलीप ट्रॉफी, दुलीप हमें जो है वो किसकी साउंड दे रहा है, दिल की, और हमारे दिल में कौन बसे हैं, एमएस धोनी, और एमएस धोनी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। नेक्स्ट आ जाता है देवदार कप, देवदार से हम याद रखेंगे, देवदार मतलब देव की साउंड दे रहा है, तो ये साउंड दे रहा है कपिल देव की, ठीक है, तो इससे भी क्या पता चल जाएगा क्रिकेट का। नेक्स्ट है एशेज ट्रॉफी, एशेज से याद रखो कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो बहुत ऐश मारते हैं, तो एशेज से पता चल गया कि ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। रणजी और ईरानी ट्रॉफी में अगेन बता देती हूँ, रणजी एंड ईरानी ट्रॉफी का तो पता ही है क्रिकेट से रिगार्डिंग है। सी के नायडू क्योंकि क्रिकेट में सी एंड के आ रहा है, तो सी के नायडू जब देखोगे तो क्रिकेट का पता चल जाएगा। दुलीप मीन्स दिल, और दिल में बसे हमारे एमएस धोनी, तो किसके रिगार्डिंग होगी ये, क्रिकेट के। देवदार मीन्स देवदार और देव से बना कपिल देव, एंड एशेज मीन्स क्रिकेट, जो क्रिकेटर्स खेलते हैं उनकी बहुत ऐश होती है। तो ये सारी ट्रॉफीज आई होप आपको याद रहेंगी आप क्रिकेट कप के रिगार्डिंग। इसमें एक और ट्रॉफी होती है जो झांसी के लिए था, एक रानी झांसी ट्रॉफी। नेक्स्ट है बैडमिंटन की, इसकी क्या ट्रिक है, दीवाना सुधीर टुल्हा का नारंगी चड्डा देख थम गया, दीवाना सुधीर टुल्हा का नारंगी चड्डा देख थम गया। और इसके लिए कौन से कप होंगे, दीवाना से दीवाना कप, दीवाना सुधीर, सुधीर से सुधीरमन कप, तुल्ला से रामा तुल्ला कप, नारंगी से नारंग कप, एंड चड्डा से चड्डा कप, एंड थम से थॉमस कप।
गेम्स में थॉमस कप यूज होता है, एक तो बैडमिंटन है और एक और गेम है जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इसका एक और इम्पॉर्टेंट कप है जो कि है ऊबर कप। ऊबर कप भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है एंड ऊबर कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। नेक्स्ट है फुटबॉल कप। अब फुटबॉल से रिलेटेड कौन से कप हैं, इसकी ट्रिक क्या बोलती है, सूफी राव और यूरो। कौन थे दो लोग, एक था सूफी राव और दूसरा बंदा था यूरो। उन्होंने क्या किया, संतोष की धुम से फुटबॉल खेला। जो ये दो बच्चे थे ये बहुत शरारती थे और उनके गांव में एक गाय थी जिसका नाम संतोष था। तो सूफी राव ने और यूरो ने क्या किया, संतोष की धुम से फुटबॉल खेला। अब इसके लिए क्या ट्रिक बन जाती है, सू से सुब्रतो कप, एफआई से फीफा कप, राव से रोवर्स कप, यूरो से योरा कप, संतोष से संतोष कप, धुम से फुटबॉल खेला तो डीयू से बन जाएगा डोरेंट कप, एम से मेड्रेका कप और एसी से सेजरियस कप। तो ये हमारे फुटबॉल के कप थे। इसमें एक और हमारा आ जाता है नेहरू गोल्ड कप, वो भी इसका है। अब आपको ध्यान रखना है, एक है हमारा नेहरू कप और एक है नेहरू गोल्ड कप। जो नेहरू कप है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ हॉकी। नेहरू कप हमारा हॉकी से रिलेटेड है और अगर आएगा नेहरू गोल्ड कप तो वो हमारा रिलेटेड है फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट गेम आती है गोल्फ की। अब गोल्फ की क्या ट्रिक है, हम इस तरह से मान लेते हैं कि जो गोल्फ है वो अमीर लोग खेलते हैं, ठीक है, अमीर लोग खेलते हैं। एंड हमने देखा होगा कि जहाँ हमें इस बॉल को शॉट करना होता है वहाँ से लेके जहाँ पे प्लेयर खड़ा होता है उसके बीच काफ़ी डिस्टेंस होता है और वहाँ से प्लेयर को उस एरिया पे जाने के लिए जहाँ पे उसका बॉल वो शॉट करता है उसको राइड करके जाना पड़ता है। और ये गेम खेलते टाइम लोग इतना एंटरटेन नहीं होते तो वो काफ़ी बोर फील करने लगते हैं जिसकी वजह से वो आपस में बात करने लगते हैं। तो जैसे टीचर कहते हैं ना बातें मत करो बक बक मत करो, तो बोर होके आपस में बक बक करने लगते हैं। सो इसकी स्टोरी ये है, प्रिंस होता है, मतलब बहुत प्रिंसली गेम होती है, बड़े अमीर लोग खेलते हैं गोल्फ और जो जहाँ पे प्लेयर खड़ा होता है उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है तो जो प्लेयर होता है उसको राइड लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे लोग जो है काफ़ी बोर फील करते हैं इस गेम को देखते टाइम तो वो बक बक करने लगते हैं। सो इसके रिलेटेड हमारे कौन से ट्रॉफीज आ जाएंगी, प्रिंस से आ जाएगी प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइड से आ जाएगी राइडर कप और बक से आएगी बाकर कप, ठीक है। उसके बाद है हमारी बास्केटबॉल कप। इसके लिए हमारी ट्रिक है, विलियम जॉन्स ने प्रॉमिस किया था नेहरू जी को कि वो क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए फ़ंड प्रोवाइड करेंगे। बास्केटबॉल की ट्रिक है, विलियम जॉन्स ने बोला था नेहरू जी को कि जो एजुकेशन के लिए फ़ंड है वो प्रोवाइड करेंगे। सो विलियम जॉन्स से बन जाएगा हमारा विलियम जॉन्स कप, नेहरू से नेहरू कप एंड फंड से फेडरेशन कप। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन टेनिस का गेम, ठीक है। इसमें क्या है, USA's प्लेयर विंबलडन डिफीट ऑस्ट्रेलियन इन टेनिस बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। US प्लेयर विंबलडन डिफीट ऑस्ट्रेलियन इन टेनिस बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो USA से बन गया USA ओपन, विंबलडन से बन गया विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन से ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच से फ्रेंच ओपन। इसका एक सीरीज़ होता है, एक ये पर्टिकुलर सीरीज़ में होते हैं, उस सीरीज़ को किस तरह से लिखते हैं हम, मतलब होता किस तरह से है। सबसे पहले हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन्स, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली वाइज चलें तो फर्स्ट टू जो होंगे हमारे अल्फ़ाबेटिकल वाइज होंगे, लाइक ए पहले आएगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन्स पहले होगा, उसके बाद हमारा आएगा फ्रेंच ओपन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारे पास आना चाहिए USA एंड देन विंबलडन, बट जो लास्ट के जो दो होंगे वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज़ नहीं होंगे, तो वो हो जाएगा हमारा विंबलडन एंड देन USA। सो इस सीरीज़ में हमारे ये मैचेस होते हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन ओपन एंड देन USA ओपन। इसके अलावा भी हमारे पास और कप होते हैं, एक होता है हॉपमैन कप,
फेड कप, डेविस कप एंड ATP फाइनल्स। ये सारे किसे रिलेटेड हैं? लॉन टेनिस से। डेविस कप, हॉपमैन कप, फेड कप एंड ATP कप। इसके अलावा एक और कप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ हेमलेट कप। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है हेमलेट और हॉपमैन में। ये दोनों जो हैं वो लॉन टेनिस के कप हैं। नेक्स्ट गेम है हमारा रोइंग कप। इसके लिए हमारा आएगा विलिंगटन ट्रॉफी। इसके लिए ट्रिक ये है कि विलिंगटन से आपको याद आएगा कि ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है, और न्यूजीलैंड जो है वो पानी से घिरा हुआ है, वो देश पानी से घिरा हुआ है। सो इसलिए रोइंग से क्या बन गया हमारा? विलिंगटन ट्रॉफी। रोइंग भी पानी में है एंड विलिंगटन ट्रॉफी भी इससे किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि विलिंगटन हमें न्यूजीलैंड की दे रहा है एंड न्यूजीलैंड पानी से घिरा हुआ है। पानी से मतलब ये रोइंग की बात हो रही है। सो रोइंग की बात हो गई तो मतलब विलिंगटन। पोलो, पोलो में क्या आएगा हमारे पास? एक एजरा कप, विंचेस्टर कप और राधा मोहन कप। एजरा कप को आप इस तरह से याद रख सकते हो कि इंडिया के लोगों को या लोगों को पोलो ज़रा भी पसंद नहीं है, तो ज़रा मतलब एजरा कप। फिर विनचेस्टर कप एंड राधा मोहन कप, किसी को भी पसंद नहीं है, सिर्फ राधा और मोहन है जिनको ये गेम पसंद है। ये ज़रा सा भी कप किसी को भी पसंद नहीं है, सिर्फ राधा और मोहन को पसंद है। और एक और कप आप याद रख लेना, विनचेस्टर कप। नेक्स्ट गेम है हमारा वेट लिफ्टिंग कप। इसमें हमारा कौन सा होगा? हमारा वर्धमान ट्रॉफी। इसकी ट्रिक ये है कि वर्धमान से मतलब वृद्धि करना, बढ़ना। तो हमने देखा होगा वेट लिफ्टिंग में हर राउंड के साथ जो वेट्स हैं वो ऐड ऑन किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, वृद्धि होती है। सो वृद्धि करना वेट्स में मतलब वर्धमान ट्रॉफी, और ये रिलेटेड है वेट लिफ्टिंग से। बॉक्सिंग कप, इसकी ट्रिक है कि जो बॉक्सिंग में जीता है उसको हम किंग बोलते हैं। सो इसमें जो कप होगा वो होगा किंग्स कप। देन आता है हमारा बिलियर्ड्स कप। इसमें होगा हमारा आर्थर वॉकर ट्रॉफी एंड थॉमस ट्रॉफी। ठीक है, थॉमस हमने एक पहले भी गेम में पढ़ा था थॉमस ट्रॉफी का, और इसमें भी हमारा आता है थॉमस ट्रॉफी। ठीक है, बिलियर्ड्स में कप में भी थॉमस ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट हमारा होता है वॉलीबॉल कप। इसके रिगार्डिंग कौन सी हमारी ट्रॉफी है? एक है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, शिवांथी गोल्ड कप एंड सेंटिनियल कप। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सारी ट्रॉफीज़ गेम्स के रिगार्डिंग मैंने आज कवर कर दी हैं।